हनुमान चालीसा का ये पाठ रखने का उद्देश्य ये है कि हमारे को सनातन धर्म का प्रचार है, इसमें हर हिंदू आकर के सब यहाँ एकजुट होकर के सनातन धर्म का प्रचार करा जा रहा है और श्री राम के बारे में और हनुमान जी के बारे में यहाँ बताया गया। तो अभी सीमा हैदर वायरल चल रही है काफी समय से, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीमा हैदर जो अभी वहाँ से आई है, ये तो पूरा सस्पिशियस मैटर है। भारत सरकार इस पर संज्ञान ले रही है और ये हमारे देश में एक पाकिस्तान से कोई अगर अपना इन्फिल्ट्रेट करके अगर देश में आ रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर हम लोगों को ज़्यादा ये करना चाहिए। उस देश का विदेश विभाग का मैटर है, वो सल्टे। लेकिन ये हनुमान चालीसा के अभी आज के मुद्दे पे आते हैं तो हनुमान चालीसा में अभी हमारा जो यंग जनरेशन है उसके उत्थान के लिए, उसमें संस्कार आने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो हिंदू जागृत हुआ है और एक जगह संगठित हुआ है, ये 10-12 साल पहले आपको ये माहौल देखने को नहीं मिलता था। ये प्रतिवर्ष होगा, हर समय पर होगा। हम सब हिंदू अभी एक संगठित होंगे, समान विचारधारा के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और तुष्टीकरण की राजनीति से निकल के हम लोग भारतीय लोग अपने 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 धर्म को अपने अपने क्या है कि अपने पुरातत्व जो भी चीज़ है उसको अब हम समझें और अपने अपने बच्चों में ये संस्कार दें। इसलिए समय समय पे इसका ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत जरूरी है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। उन्हें भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी? नहीं मिलना चाहिए। ऐसे इन्फिल्ट्रेटेड लोगों को भारतीय नागरिकता नहीं मिलना चाहिए, उस देश का मैटर है। हम लोग अभी बहुत ऐसे ही लोगों को झेल रहे हैं और झेलने की जरूरत नहीं है, जो जहाँ है वहीं रहे। और हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, हमारे अमित शाह जी बहुत सक्षम है। हम तो अपने देश के जो अपने लेवल पे जो काम है उसी को देख लें। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों से बहुत ऊंची सोच वाले लोग हैं। हमारा हम लोगों को इसके बारे में ज़्यादा राय देने की जरूरत नहीं है, वो जहाँ की है वहाँ चला जाए। एक कन्वर्ज वो पाकिस्तान की जासूस हो सकती है, वो वहाँ पे ISI की एजेंट हो सकती है। आपको कैसे पता है 6 लाख में जिसने अपना संपत्ति लिया, वो उसने अरब से अपना फ्लाइट लिया, 4 बच्चों को लेके आ गई। ये तो बहुत बड़ा सेंसेटिव मैटर है कि देश में इस तरह की कितनी सीमा है इधर नेपाल के रास्ते से आ रही हैं। ये आप समझो इस बात को कि इस मैटर को लेके ये इतना सेंसेटिव मैटर है। हम लोग हिंदू बोलते हैं कि वो हिंदू में कन्वर्ट हो गए, ये इसको इमोशनली देखने की ज़रूरत नहीं है। कारण ये है कि सीमा हैदर का जो मैटर है ये विदेश विभाग इसको टैकल करेगा, ये जासूसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज ही का न्यूज़ है कि सचिन ने बोला है कि मैंने उसको खुद ये रास्ता बताया था और ये पबजी के थ्रू ये जो हनी ट्रैप का मैटर चल रहा है यही है। और दिल्ली जैसा सेंसिटिव जगह पे बहुत गांव में भी जा सकती है, कुछ ऐसे जगह जा सकती है जहाँ पे अभी जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, इस तरह का मैटर है। तो आप लोग भी मीडिया कर्मी भली भांति जानते हो, ये कोई मैटर नहीं है, इसको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो विदेशी हैंडलर ही साबित होगी, ये तय है। आपको क्या लगता है वो जासूस है या जी? आपको क्या लगता है कि वो जासूस है क्या? हाँ, 110%। वो जब आई थी तभी हमारे लोगों ने बताया था कि ये जासूस है। इस तरह से ये कोई वीर जरा और ये इसका कोई मैटर नहीं है, इसको हम लोग उन फिल्मी दुनिया के तरीके से देखते हैं, कुछ नहीं है। ये बहुत सेंसिटिव मैटर है हमारे देश में। आपने अभी देखा था ये अपने जो अमेरिकी राष्ट्रपति आए थे और शाहीन बाग का मैटर इस इन्फिल्ट्रेशन के चलते हुआ था। ये आपने रोहिंग्या को देख लो, पूरा पश्चिम बंगाल बर्बाद हो गया, असम में घुसपैठ पूरी तरह से जारी है। आप जितने भी बॉर्डर एरिया है उसका हाल देख लो, आज पूरा पश्चिम बंगाल बर्बाद हो गया इस घुसपैठ के चलते। तो मुझे हम लोगों के देश में बहुत सारी औरतें हैं, हमारी मुस्लिम माँ बहनों का यहाँ सम्मान है, मुझे विदेश से कोई सीमा हैदर नहीं चाहिए, ये तय। धन्यवाद सर।